हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, इसमें मैं पारस लिख रहा हूँ, जो आउटलाइनिंग के तरीके से लिखा जा रहा है। तो आप लोगों को इसमें ये सीखने को मिलेगा कि आउटलाइन कैसे करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ आउटलाइन, और सेम इसी तरीके से आप लोग भी आउटलाइन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अनुभव की ज़रूरत होती है। बिना अनुभव का इस तरीके से आउटलाइन करना जान लीजिए कि असंभव है। जो अगर अनुभवी अगर होंगे तो वो तो करते होंगे, जिनके पास अनुभव नहीं है तो वे खड़िया से इसको पहले खींच ले, यानी कि खड़िया से पहले बना करके उसके बाद ही आउटलाइन करने की कोशिश करें। नहीं तो ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा बिगड़ जाएगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आप लोग नए हैं तो इसको एक बार खड़िया से खींच लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद आउटलाइन कीजिए। और आउटलाइन हम लोग इसलिए करते हैं कि जो हमारे साथ हेल्पर होते हैं, चेला होते हैं, तो आउटलाइन करके उनको दे दिया जाता है, वो चुपचाप भरते हैं। और हम लोग अगर डायरेक्ट अगर भरते चलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और कंपनी का काम है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए ज़्यादातर आउटलाइन करके दे दिया जाता है, जो चेले होते हैं वो अपना भरते हैं, हेल्पर लोग। तो लगभग हमारा पारस कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि काम भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियो बना लेता हूँ। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, और लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक से ही वीडियो का रीच बढ़ता है, चैनल का रीच बढ़ता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।